बताइए अभी कैसा है मैंने एकदम से रिफ्रेश किया है सिस्टम अभी ठीक है थैंक्स फॉर योर पेशेंस थैंक यू सो मच अभी ठीक है खुशी खुशी पवन बिमलेश दीपक अभी बताइए अभी कैसा है ऑल ओके नाउ थैंक यू थैंक यू फॉर योर पेशेंस तो मैं कह रही थी कि एक फ्रेश बैच जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हैं एक फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग एकदम चेंज जो पैटर्न चेंज हुआ है बिल्कुल बदले पैटर्न के आधार पर जैसा कि आप लोग टाइटल में देख पा रहे हैं और पूरी कोशिश पूरा प्रयास रहेगा और पूरा प्रयास ही नहीं गारंटेड ये गारंटी रहेगी मेरी कि क्वेश्चंस बाहर इससे नहीं आएगा जिस तरह से हम लोग शुरू करेंगे ठीक है और आप लोगों को पेपर पेन लेकर के बैठना है मेरी क्लास में थैंक यू थैंक यू तो पेपर पेन लेकर के जितने पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी हिस्ट्री की क्लास पहले ली है उनको भी मैं कहूंगी कि आप इस क्लास को जरूर लो इससे आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप पहले भी मैंने हमेशा वैसे ही दिया है लेकिन क्योंकि ये पहली बार चेंज पैटर्न के बेस पर मैं करा रही हूं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का फिर से आप लोग इस क्लास को लें और वैसे भी देखो हम लोग जानते हैं कि रिवीजन मस्ट होता है है ना रिवीजन जितनी बार रिवीजन कर लो उतना सही होता है तो ये कुछ मेरे बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग जानते होंगे आप लोगों में से कि इज हिस्ट्री तो हिस्ट्री जो है देखो यही है हम कहां से कहां तक आ गए आप देख रहे हो ना कहा से कहां तक हम आ गए तो हंटर फूड गैदर से हम स्पेस तक पहुंच गए हैं है ना चंद्रयान और मंगलयान भेज रहे हैं तो ये जो पूरा हमारा पास्ट है यही हिस्ट्री है हमारी ठीक है तो हिस्ट्री में हम लोग हम लोग जो है प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक मॉडर्न हिस्ट्री तक आफ्टर इंडिपेंडेंस तक हम लोग पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या हुआ ये जो है हमारा जो ह्यूमन ओरिजिन होता है और जब हम शिकारी थे खाद्य संग्राहक थे तो तब से लेकर आज तक जो विकास क्रम चला है वो कैसे कैसे चला है इस बीच कितने राजवंश आए उन्होंने कैसे कैसे रूल्स बनाए डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ जैसे इस बार आप लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन था कहाँ पर जी एस पेपर वन में कि प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारणों का कितना योगदान था इसी तरह आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास के विकास में अलग अलग राजवंशों की जो नीतियां रही उनका कितना योगदान रहा समझ रहे हो आप तो आपसे ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम जो है इतिहास जो होता है वो हमारा पास्ट होता है है ना और अगर एग्जामिनेशन अगर बहुत फिलासफिकल ना जाते हुए मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमको पढ़ना है कि हम जो गोरिल्ला चिम्पैंडी से इंसान बन गए इंसान बनने से लेकर और अभी तक का सफ़र कैसा रहा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और फिर हम आज से ही शुरुआत भी कर देंगे हिस्ट्री की तो आज का जो हमारा मेन जो स्ट्रैटेजी पार्ट जो है उस पर हम लोग बात करेंगे कि अभी वर्तमान पैटर्न कैसा है इतिहास कहाँ से हमारा शुरू होता है महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना तो इम्पोर्टेंट है ही उससे भी इम्पोर्टेंट आपका ये होता है कि छोड़ना क्या क्या है क्या क्या छोड़ना है तो क्या क्या याद करना है और क्या क्या छोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बस इस पर ही हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो यूपीएससी का वर्तमान पैटर्न कैसा है मैं बात कर रही हूं अभी हिस्ट्री की ठीक है मैं इतिहास ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को अभी मुख्य रूप से तो मैं इतिहास की ही बात कर रही हूं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ कवर होगा सब कुछ कवर होगा आप लोगों का इसमें और इसमें मु, मुख्य रूप से मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगी आप लोग का ज्यादा आप लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे मैं चाहती हूं कि आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें और खुद से नोट्स अपना बनाएं है ना तो देखो <coughs> वर्तमान पैटर्न अगर आप लोगों ने 2021 का 2020 छोड़ दो वो तो जनरल था कोविड की वजह से जिन्होंने 2020 दिया वो बहुत भाग्यवान थे क्योंकि ऐसा पेपर ऐसा हलवा ऐसा लड्डू वाला पेपर पहले कभी यूपीएससी ने पूछा ही नहीं जो जैसा कि 2020 का पेपर था 2020 के धक्के में जो निकल गए ना तो आप समझ लो कि बस उनके जितना भाग्यवान कोई भी नहीं क्योंकि ये मेहरबानी थी यूपीएससी की कोविड की वजह से लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है लेबल धीरे धीरे जो है और टफ तफ, टफेस्ट होता जा रहा है कठिन से कठिनतम होता जा रहा है अब आपको पैटर्न कहाँ से देखना है तो 2021 से लेकर 2023 तक तो सारे लोग जो समझदार स्टूडेंट आप में से होंगे उन्होंने क्वेश्चन पेपर रखा होगा अपने पास नहीं रखा है तो तुरंत यूपीएससी के साइड पर जाकर या किसी दोस्त से मांगकर अपने पास रख लो तो 2021 से 2023 तक का प्रीलिम्स का पेपर जनरल स्टडीज का पेपर आपके पास होना ही चाहिए अब उसमें अगर आप लोग पैटर्न देखोगे तो पैटर्न में जो स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तीन से चार स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते थे ए बी सी डी तो ए और बी सही है बी और डी सही है ऐसा जो ऑप्शन आता था वो ऑप्शन खत्म हो चुका है अब अग, अब अगर ये चार ऑप्शन पूछा भी जा रहा है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऊपर में से कितने पेयर सही हैं ये पूछा जा रहा है ना कि ऊपरयुक्त में से कितने पेयर कितने युग्म सही हैं? तो आपको बताना है दो सही है एक सही है तीन सही है आपको अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि ए सही है या बी सही है अब यहां पर इसका जो नेचर क्या बन जाता है नेचर आपका ये पूरा का पूरा जो है पूरा नहीं पर फिर भी आप कहोगे कि 80% परसेंट एट्टी परसेंट फैक्चुअल हो चुका है इसमें फैक्ट्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं और फैक्ट्स में क्या क्या आएगा तो अभी महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग बात करेंगे और अगर स्टेटमेंट भी पूछा जा रहा है तो भी आपका ऑप्शन यही है कि युग में कितने सही हैं यही है ना तो आपको उसमें भी उसमें भी आपको क्या करना है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही क्लियर चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी जो 20-25 परसेंट पूछा जा रहा है वो भी बहुत ही क्लियर चाहिए क्यों चाहिए अब तुक्का नहीं चलेगा तुक्का सिस्टम अब बंद हो गया आपका सबसे टफेस्ट लेवल आपकी परीक्षा का कौन सा हो चुका है जरा आप बताइए आपके परीक्षा का टफेस्ट लेवल कौन सा है आपको कौन सा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं कितने सारे लोग आप लोगों में से कई साल से लगभग मुझे लगता है तीन दो से तीन अटेम्प्ट दे चुके हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो सबसे टफेस्ट लेवल जल्दी से बताइए एकदम कौन सा है सबसे टफेस्ट लेवल तो सबसे टफेस्ट लेवल है आपका प्रीलिम्स ठीक सबसे टफेस्ट और आपको इसको ही पार करना है जनरल स्टडीज का अगर जीएस की हम लोग वन टू थ्री फोर की बात करें ऐसे आप लोगों ने देखा इस बार कितना अच्छा आया था ऐसे में मतलब कोई समस्या ही नहीं है थोड़ा भी थॉटफुल हो तो ऐसे लिख लोगे और ऐसे ही जीएस पेपर वन और टू थ्री फोर भी इतना बढ़िया पेपर इस बार आया है कि मतलब देखकर मन खुश हो गया तो मतलब आपको विशेष रूप से तैयारी किसकी करनी है प्रिलिम्स की और प्रिलिम्स में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है और हिस्ट्री में भी किसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है आपका तो एंशियंट हिस्ट्री का आप लोगों ने देखा कि इस बार इस बार आप लोगों का जो जीएस पेपर वन है उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि कल्चर आपका इसी में कवर हो जाता है तो एशियंट हिस्ट्री का आपका जो है प्राचीन भारत प्राचीन भारत का रोल आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है पिछले सालों से ठीक तो वो काफी कम है तो आपको प्राचीन भारत बहुत अच्छे से तैयार करना है और क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है कुछ भी नहीं छोड़ना है आप एक चीज याद रखो कि कुछ भी कुछ भी नहीं छोड़ना है क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है जैसे आर्य शर्मा का एक चैप्टर शुरू के कुछ उनके जो चैप्टर्स हैं जिसमें भौगोलिक कारण पर्यावरणीय कारक वो जो वो उन्होंने दिया हुआ है उसको हम लोग भी स्किप कर जाते थे और सीधा शुरू करते थे हड़प्पा से ज्यादा से ज्यादा स्टोन एज में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता था सीधा कहां से शुरू करते थे तो हड़प्पा से शुरू करते थे करते थे ना आप लोग लेकिन इस बार क्या पूछा गया जी इस पेपर वन में कि प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारण कौन कौन से रहे तो अभी हाल फिलहाल नहीं पूछा जाएगा आपसे एक बार पूछ लिया गया ये तो अब आपसे मतलब ये पूछा जा सकता है कि भाई विदेशियों का कितना योगदान रहा इसमें जो बाहर से विदेशी आए उन्होंने हमारे सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया तो आपको जो है कुछ भी नहीं छोड़ना है एक चीज याद रखना जो आपका सिलेबस है उसको थोरोली कवर करना है और उस पर सबसे ज्यादा फोकस किस पर रखना है तो फोकस रखना है फैक्ट्स पर यह मैं आपको बता रही हूं प्रिलिम्स के लिए प्रिलिम्स के लिए फैक्ट्स पर एकदम फोकस रखिए सारे सब्जेक्ट में और हिस्ट्री में तो रखना ही है और साथ साथ जब फैक्ट्स पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट अपने आप याद होता चला जाता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इंटरलिंक करके सब्जेक्ट को तो कैसे देखते हैं वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे ठीक है तो हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है अगर हम लोग बात करें कि हमारा इतिहास कहां से शुरू होता है तो ये जैसे देखो अगर एक टेक्स्ट बुक की बात करोगे ठीक है अगर हम एक टेक्स्ट बुक की बात करते हैं चाहे वो कोई भी बुक हो आर एस शर्मा हो आपकी एन सी आर टी हो एन सी आर टी से मुझे याद आया कि अगर आप लोगों ने एन सी आर टी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ो आपकी एन सी आर टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैंने अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस देखा होगा आप लोगों ने देखा था एनालिसिस मेरा उस दिन आप लोग नहीं थे हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग एनालिसिस ले रहे हैं किन से किन से ले मैंने सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर का लिया है वो सेशन है तो डायरेक्टली आपके जीएस पेपर में मैंने दिखाया था तीन क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से है अगर मतलब एनसीआरटी भी किसी ने अगर पढ़ी है अच्छे से तो उस आंसर को लिख सकता था रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी वाला जनजातियों वाला और एक क्वेश्चन और याद नहीं आ रहा तो देखो मेरे एन बहुत सारी मेरी एन सी आर टीज क्लासेस ऑलरेडी हैं ठीक है और कभी जैसे अगर लाइव लेना हो आपको तो प्लान कर लेंगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी के इस क्लास के साथ आप लोग चले इसमें मैं एन सी आर टी से लेकर और स्टैंडर्ड बुक तक के सारे फैक्ट्स को कवर करूँगी तो अगर आप इस सेशन के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा तो एन सी आर टीज भी इम्पॉर्टेंट है और मैं जैसा कि कहती हूँ कि उसमें जान नहीं होता एनसीआरटी में जान भी होता का मतलब समझ रहे हो आप जैसे एक दुबला पतला आदमी हो तो एक टंगड़ी उसमें फंसाओगे और मेरी तरह जैसे टंगड़ी करते ही मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ वो हवा में गिर जाएगा है ना पता नहीं कितना वो खा ले कितना पलट जाए वो उसमें तो वो दुबले पतले आदमी की बात कर रही हूँ उसी तरह से एन होता है आपका बड़े बड़े फॉन्ट में इतनी बड़ी किताब आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो आप एक दिन में एक एन खत्म कर लोगे और जो आप कहते हो कि तीस पैंतीस किताबें हैं लगभग सारे सब्जेक्ट का मिलाकर तो भी आपके फिर ऐसे कितने दिन लगने पैंतीस दिन तो ऐसे ही पैंतीस पैंतीस दिन अगर मतलब आप एन को रिवाइज कर ले मतलब एक बार में तो समझ में नहीं आएगा या एक बार में समझ में आ भी गया तो याद नहीं होगा तो आपको 35-35 दिन जब बोर हो जाओ आप कुछ भी तो फिर उसी एन को रिवाइज कर लिया दूसरी बार उसे कुछ उसके की पॉइंट्स नोट कर लिए सबसे बेस्ट है कि आप हमारी लाइव क्लासेज हैं या रिकॉर्डेड क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी वहाँ से आप अपने नोट्स बना लो ठीक तो एन ज़रूर पढ़ लेना तो मैं बता रही थी आपको इतिहास कहाँ से शुरू होता है तो अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये सोर्सेज से शुरू होता है ठीक है सोर्सेज तो ये सोर्सेज अगर आप ऐसे टिपिकली पढ़ना शुरू करते हो तो आप बहुत पकने लग जाते हो कि उसमें जैसे बहुत ही सारी जैसे हम लोग कहते हैं अभिलेख हैं सिक्के हैं मतलब इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत में बांट देते हैं पुरातात्विक स्रोत में आपके जितने भी रिमेन्स हैं बिल्डिंग्स हैं अवशेष सिक्के अभिलेख ये सब आता है और साहित्यिक स्रोत में आपका ब्राह्मण साहित्य है बौद्ध साहित्य है जैन साहित्य है गैर धार्मिक साहित्य आ जाता है तो आप क्या होता है कि सारा एक साथ हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है लिटरेचर से क्वेश्चन तो उसको आप ऐसे लिटरेचर में पढ़ोगे तो आपको जैसे ज्यादा जा, याद होगा तो सोर्सेज ऐसे मतलब ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो याद इसलिए नहीं होगा कि अभी हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हो आपको कैसे याद होगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन तो मतलब रुद्र दामन का है पर रुद्र दामन कैसे कैसे भारत में आया और रुद्र दामन ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया अभिलेख तो उसने कितना वो ताकतवर था और क्या कर रहा था वो जब आप रुद्र दामन को जानेंगे तभी समझ में आएगा तो इसलिए सोर्सेज से शुरू मत करो ठीक है उसके बाद अगर हम लोग आर्य शर्मा की बुक की बात करें तो आर्य शर्मा फिर वो एक तो भाषा पर बात करते हैं लिपि और भाषा पर बात करते हैं इसको भी छोड़ सकते हो लिपि और भाषा वैसे याद रखना कि हमारी सबसे पुरानी लिपि कौन सी है बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में सबसे पुरानी लिपि जल्दी से बता दीजिए थर्टी सेकेंड में आप बताइए कि सबसे प्राचीन लिपि भारत की कौन सी है प्राचीन प्राचीनतम कह लीजिए एकदम जल्दी से बताइए बिल्कुल मेरी निगाह जमी हुई है कमेंट सेक्शन पे अंकुल आप गलत बोल रहे हैं केस पांडे आप भी गलत बोल रहे हैं बाकी लोग खुशी यस नहीं लिपि का नाम बताइए तो राहुल सिंह का आया है राहुल सिंह और राहुल सिंह और राहुल रॉय दो लोगों का और बाकी लोगों का भी आ गया सुधा तो सबसे प्राचीन लिपि है हमारी ब्राह्मी ठीक ब्राह्मी लिपि इसके पहले की अगर सब प्राचीन लिपि की बात करें तो इंडस लिपि को कहेंगे सिंधु सभ्यता की लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं तो अभी फिलहाल हमारे इतिहास में सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी ठीक है और जो आप लोगों में से कुछ लोग खरोष्ठी कह रहे थे और आर्मेक तो खरोस्टी कब आता है जब ईरानी आक्रमण होता है भारत पर जब भारत पर यूनानी आक्रमण होता है ईरानी आक्रमण यानी दरिया बाहू का डेरियस फर्स्ट का और यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का तो जब हमारे सीमा प्रांत में ईरानी और यूनानी जब बसते हैं तो जाकर लिपि आती है खरोस्टी और आर्मेक ईरान से खरोस्टी आया आर्मेक आता है आपका यूनान से दोनों मिलता जुलता है लेकिन उसके पहले भारत में भारत की जो लिपि रही वो ब्राह्मी रही और अशोक के सारे अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य हैं हमारे लिखित साक्ष्य की अगर बात करें तो क्योंकि वेदों को वेदों को जो है बाद में देवनागरी में लिखा गया पहले वैदिक संस्कृत एक और लिपि है जिसे हम नहीं पढ़ पाते हैं और अभी के जो संस्कृत आप लोग पढ़ते हो वो सब सार, सारा संस्कृत किस में है देवनागरी में है और देव संस्कृत से ही हिंदी निकली है तो हम शुद्ध हिंदी जो निकली है वो संस्कृत से ही निकली है तो वो भी देवनागरी लिपि में है ठीक है तो ये लिपियों के बारे में थोड़ा सा वो बताते हैं है ना और इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक भौगोलिक कारण इस बार पूछ दिया है आपके जीएस पेपर वन में भौगोलिक कारण आप सब लोग जानते हो सब लोग जानते हो आप लोग भौगोलिक कारण कि भौगोलिक कारण क्या क्या रहे भाई देखो जब ऐसा था इसके लिए आपको समझना होगा भौगोलिक कारण के लिए समझना होगा कहां से तो जब ओरिजिन हुआ जब ह्यूमन ओरिजिन होता है तो जब ह्यूमन ओरिजिन हुआ तो क्या हो रहा था क्या हो रहा था तो उसके लिए मैं आप लोग को दिखाती हूं देखो कैसे हुआ मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है उसी में फिर हम भौगोलिक कारण देखेंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले माना जाता है हम बानर थे बानरों में सबसे समझदार कौन माने जाते हैं गुरिल्ला तो हम गुरिल्ला थे वो किंग कॉन्ग वाले गुरिल्ला को देखा है ना आप लोगों ने तो हम करते क्या थे हम कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन होता है तो हमारा इवोल्यूशन इस तरह से हुआ ठीक आज हम डिजिटल एज में आ चुके हैं तो इवोल्यूशन हमारा इस तरह से हुआ है और शुरू में हम करते क्या थे हम शुरू में क्या करते थे तो सिर्फ और सिर्फ जैसे जानवर काम जानवर क्या करता है अपना पेट पालता है इसके अलावा कोई काम करता है वो पेट पालने के अलावा पेट पालता है प्रजनन करता है इसके अलावा कोई काम नहीं करता तो ये जो थे हम भी ऐसे ही कर रहे थे ठीक पेट पालना पेट पालना और ग्रुप में रहते थे कोई समाज नहीं था तो केवल क्या होता था तो बस मतलब ऐसे ही जानवरों की तरह ठीक है खाना सोना और प्रजनन यही तक सीमित रहे हम लोग तो इस एज को हम लोग कहते हैं स्टोन एज, प्रस्तर एज हमारा जो विकास शुरू होता है वो विकास हमारा कहां से शुरू होता है तो हमारा विकास शुरू होता है यहां से पाषाण युग से ठीक लेकिन फिर भी विकास विकास जो शुरू होता है उसमें हम लोग पूरा पाषाण काल पेलोलेथिक और मध्य पाषाण को भी ये जो आप लोग आप लोगों ने ये जो इवोल्यूशन देखा इस इवोल्यूशन को ही ये पूरा जो हुआ है ये पीरियड इस पूरा पीरियड है ये आपका स्टोन इस एज इसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल ठीक इसको और यहाँ पे इस पूरा पाषाण ये स्टोन एज को पाषाण काल को हमने तीन पार्ट में बांटा है पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नौ पाषाण जो कि आपका लगभग 20 लाख से ये सब आप लोगों को याद होगा बीस लाख से लगभग ये 5000 हजार तक ये चलता है बीस लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5000 हजार वर्ष पूर्व तक ये आपका समय चलता है अब यहां से यहां से आप लोगों का जो क्वेश्चन का क्या पूछा जाएगा पहले स्टोन नहीं समझ लोगे तभी आप भौगोलिक कारण कारक और पर्यावरणीय कारक को समझ पाओगे अब ये जो पूरा पाषाण काल था ठीक है ये जो पूरा पाषाण काल था आपका इस समय अगर हम लोग पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण कैसा था यह आपका हिम युग है कौन सा युग है यह हिमयुग पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है लगभग साढ़े चार अरब है ना तो अब यह जो है मतलब 400 करोड़ 50 लाख ठीक ये माना जाता है तो ये जो है मतलब एग्जैक्ट नहीं मैं बता रही हूं कुछ इतिहासकार 400 से ज्यादा ऐसे बै, कह देते हैं और आर्य शर्मा एग्जैक्टली डेट डालते हैं 450 तो अब यहां पर जो ये पृथ्वी की ये जो आ, वो रही जो उम्र रही ज्यादातर उम्र ऐसी ही निकल गई मतलब ये पृथ्वी को बनने में ये जो लैंडस्केप अभी आप लोग जो देखते हो लैंडफॉर्म्स जो देखते हो इसको बनने में ही लगभग पृथ्वी की उम्र निकल गई है लास्ट वाले फेज में हम लोग चल रहे हैं इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि खत्म हो जाएगी पृथ्वी अब वहाँ पर जब मानव ओरिजिन होता है वो वो समय भी हिम युग का है और इसको हम लोग प्लिस्टोसिन प्लिस्टोसिन काल कहते हैं ठीक है तो ये जो जो है इसको फोर्थ क्वार्टरनरी चतुर्थी की काल कहा जाता है जब ये होता है और ये जो काल है इसमें देखो ये लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं बिना कुछ पहने ये भी बड़ी बात है तो इंसान इंसान है इनके बदन पे थोड़े बहुत उस समय जो है पूरी तरह से ये नहीं हुए थे हमारी तरह पूरी तरह ये नहीं हुए थे अभी अब इनके शरीर पे उस समय बाल होते थे थोड़े बहुत ठीक है तो इस तरह से किसी भी तरह से इन्होंने सरवाइव कर लिया और जो सरवाइव कर गए वो बच गए जैसा कि हम लोग डार्विन का वो पढ़ते हैं थ्योरी कि मतलब जो लोग बहुत सारे जैसे आप लोगों ने डायनासोर के बारे में सुना है डायनासोर गायब हो गया तो बहुत सारे इस तरह के क्रिएचर्स ख़त्म हो गए जो सरवाइव कर गए सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट तो वो बच गए तो ये हमारा जो है ये आपका यही युग था पर्यावरणीय कारक में अगर हम लोग बताएं तो और इस समय विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा क्या होता है तो फायर फायर का डिस्कवर हो जाता है और इनके बारे में हम कैसे जानते हैं तो हमको इनके टूल्स मिले हैं जो आपके उसमें भी दिया हुआ है एनसीआरटी में भी तो ये लोग बस भाई ये जो लेकर आ रहे हैं समझ लो सबसे पहले इंसान ने कुत्ता पाला था कुत्ते इनके साथ होते थे भोग के बता देते थे कि कोई खतरनाक जानवर आ रहा है तो ये अपनी रक्षा कर लेते थे श्वान निद्रा सुना है ना आप लोगों ने तो अब यहाँ पर जो है इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है तो एक तो इनके कुछ स्केलेटन्स मिले हैं प्लेसेस में दिखाऊंगी और दूसरा इनके हमें कुछ औजार मिले हैं ये पत्थर पाषाण काल क्यों कहते हैं क्योंकि सारे पत्थर के औजार थे तो इस समय ये लोग हाथ से ये हस्त को उठा रहे हैंडिक्स कहते हैं इसको हाथ से खोदने वाला इसी तरह से ये चॉपर है जैसे आजकल चॉपर मशीन वाला आता है ना खच 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 प्याज व्याज काटता है कभी जाते हो किचन में मम्मी खाना बनाती है तो जाना चाहिए खाना आपको भी बनाने आना चाहिए तो आजकल जो है इलेक्ट्रिक चॉपर आ रहा है तो ये देखो ये चॉपर है ये हम लोगों को जगह जगह एक्सकेवेशन में मिला है ये भी चॉपिंग टूल्स है इसको खंडक औजार कहते हैं ये क्लीवर है विदारिणी यहां पर ये आपको जैसे मैं दिखा रही हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपना जीवन ये चलाते थे और, और देखिए क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि कब का कौन औजार था जो लोग जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको तो हमेशा पूछा जाता है नेट का एग्जाम देते वहां पूछा जाता है पर क्योंकि यूपीएससी का फैक्चुअल होता जा रहा है नेचर तो आपको पूछ दिया जाएगा कि हैंडेक्स कब का है और क्लीवर कब का है तो आपको पता होना चाहिए कि हैंडेक्स भी दिखाऊंगी वो न्यूलिथिक टूल है और जो क्लीवर है जो विदारिणी वो आपका पेल्यूलिथिक टूल है तो पूरा पाषाण काल वालों के बारे में हमें पता ऐसी चला और ये मैंने जैसा कि बताया कि आपको याद रखना है कि ये कौन सा युग था तो ये आइस आइस एज था ठीक और आप देखिए इसमें आप लोगों ने फायर डिस्कवर कर लिया था आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि कैसे फायर डिस्कवर कर लिया था इन्होंने कि जंगल में आग लगी थी पहले कच्चा ही खाते थे पहले कच्चा ही खाते थे और फिर ये पकाकर खाने लग गए थे और उस समय इंसान और जानवर सब साथ रहते थे ठीक है जो खतरनाक जानवर होते थे उनसे बचने के लिए इंसान गुफाओं में रहता था केव्स में रहता था और इस तरह के जो जानवर होते थे ये तो हमेशा ह्यूमन फ्रेंडली रहे तो ये साथ साथ रहते थे, थे ये ठीक है तो इस समय एक जो विकास क्रम जो चलता है तो विकास क्रम में हम क्या देखेंगे कि इस समय एक जो खास चीज हुई वो क्या हुई आग आग का आविष्कार हो गया ठीक किसका आविष्कार हो गया आग का और आपको यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछेगी तो आपको स्थल पूछे जा रहे हैं आजकल देखो न्यूलिथिक स्थल पूछे गए हैं आपसे स्थलों में नौपाषाणकालीन स्थल ज्यादा महत्वपूर्ण है पर आपको स्थल सारे ही याद रखने हैं मतलब जितने स्थल हैं मतलब ऐतिहासिक जितने भी प्लेस हैं अगर प्लेस रटना शुरू करोगे तो नहीं याद होगा पर पर्टिकुलर किसी एरा में कौन सा प्लेस बहुत महत्वपूर्ण था ऐसे करते हुए जब आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा तो साइट्स आपको ऐसे मैप से भी आप याद कर सकते हो ठीक है मैप से भी आप लोग याद कर सकते हो जैसे देखो भीमबेट का अब आप सब लोगों को याद रहता है भीमबेट का ये का कहां पर है तो ये आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली में भी हम लोगों को मिला है पूरा नर्मदा वैली में नेवासा ये नेवासा कहां पर है तो ये महाराष्ट्र में पाटन महाराष्ट्र में पाटन से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं ठीक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा हाईलाइट करने को कहोगे हाईलाइट करूंगी तो पूरा सिस्टम थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा तो भीमबेटका को भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल है इसमें हमें पेंटिंग्स मिलती हैं पेंटिंग्स कब से शुरू हुई आर्ट एंड कल्चर मैं आप लोगों का यहीं से शुरू करूंगी। तो पेंटिंग्स लेटर जो अपर पेलुलिथिक पीरियड है यानी सबसे जो है बाद में उच्च पूरा पाषाण काल से पेंटिंग शुरू कर दिया था इन्होंने पेंट पेंट करना तो भीमबेटका वैसा ही एक गुफा है और 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को ले लिया था निवासा महाराष्ट्र में और पाटन किस लिए फेमस है पाटन या पाटने तो पाटने इसलिए फेमस है क्योंकि पाटने में जो है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले ठीक है और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी बेलन जो रिवर है बेलन जो नदी है तो बेलन घाटी बेलन घाटी को ऐसे याद रखेंगे आप लोग कोई ज़ूम करने को कह रहा है क्या बेलन घाटी को कुछ ऐसे ऐसे लोग जो कह रहे हैं बेलन घाटी कि बेलन घाटी को आप ऐसे याद रखिएगा कि यहां से हमें पूरा पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन दोनों दोनों अवशेष मिले हैं और कुछ नौपाषाणकालीन भी मिले हैं तो बेलन घाटी बड़ा फेमस है तो मैंने यहां पर स्थल लिख भी दिए हैं आप लोगों को लिख भी दिया है मैंने अब वो ये जुम्म किया जा सकता है मैं ऐसे करके एक सेकेंड ठीक है तो आप लोगों को इसको ये इस सारे स्थल जो है आपको याद कर लेने हैं तो मध्य प्रदेश की जो सोन घाटी सोन रिवर वैली हरियाणा की हिरन घाटी महाराष्ट्र का नेवासा मैंने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी झेलम नदी के किनारे दीना और जलालपुर राजस्थान का डिडवाड़ा और अजमेर इस बार यही पूछा है पूछा है ना डीडवाना आप लोगों से 2023 के प्रीलिम्स में 2023 के प्रीलिम्स में डीडवाना पूछ लिया गया है क्यों राहुल राहुल नाम के जितने भी स्टूडेंट मुझे दिखते हैं नाम का असर है शायद मतलब आंसर आप लोगों की तरफ से आता है बहुत उम्मीदें हैं मुझे अफरोज आपसे भी तो आप लोगों ने देखा कि ये डिडवारा पूछ लिया गया है आप लोगों से तो ऐसे आप लोगों को पूछा जाएगा ईसामपुर गांव है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में ठीक है कर्नाटक में मालप्रभा रिवर और प्रभा रिवर जो है मालप्रभा घाटी प्रभा नदी घाटी में भी मिला है अतिर पक्कम तमिलनाडु कोटकल्याण नदी के घाटी में और कुरनूल आ राख का सबसे प्राचीनतम अवशेष हमें कुरनूल से ही मिला है कुरनूल में एक गुफा है ठीक वहीं से हमें राख का प्राचीनतम अवशेष मिला है और फायर डिस्कवर इन लोगों ने माना जाता है कि उच्च पूरा पाषाण काल में किया पूरा जो पूरा पाषाण काल है उसको तीन भाग में बांट देते हैं बहुत लंबा इतिहास का सबसे लंबा समय है ये ठीक है इतिहास का सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल इसलिए तीन भाग में बांटा जाता है तो उसमें निम्न पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल और लोअर पैलोलिथिक मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, उच्च पूरा पाषाण काल तो उच्च पुरापाषाण काल में ही माना जाता है कि आग का आविष्कार हुआ और कुरनूल से प्राचीनतम राख के अवशेष हमें मिले हैं ठीक तो ये सभी प्लेसेज आपको याद रखना है प्लेसेज याद रखनी है आपको नहीं तो प्लेसेज के बिना काम नहीं चलेगा और अगर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करें तो देखो ये ये बीच का एक ट्रांजिशन फेज है जो मैंने कहा कि हिमयुग था तो उसमें ऐसा था कि कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए मतलब पर्यावरणीय बदलाव आया तो पर्यावरणीय कारक भौगोलिक कारक पूछ लिया गया है अगर आपसे पर्यावरणीय कारक पूछा जाए तो क्या कहोगे आप कहोगे कि जो पूरा पाषाण काल ज्यादातर अधिकांश किसमें गुजर गया तो हिम युग में मध्य पाषाण काल तक यानी ला अंतिम पूरा पाषाण काल आते आते पर्यावरणीय बदलाव होता है और पर्यावरण में थोड़ा क्या होता है पर्यावरण थोड़ा गर्म होता है तो पर्यावरण थोड़ा गर्म होता है तो फिर वही घास के मैदान बने तो वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रकृति खुद अपने को नियंत्रित करती है निर्धारित करती है चलाती है कुदरत अपना कुदरत अपने आप चलती है समझ लो कुछ लोग मानते हैं ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक सुप्रीम पावर है मैं भी विश्वास करती हूँ पर, पर आप समझ लो कि चलती रहती है ये धरती तो अब जो है धरती क्या ब्रह्मांड ये पूरा यूनिवर्स अपने आप संचालित होता रहता है तो यहां पर ऐसा ही हुआ कि ये सारे जो जानवर देख रहे हो ये ऐसे जानवर आए तो इन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया क्योंकि तो घास आया तो घास खाने वाले जानवर आए और इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो ये मध्य पाषाण काल माना जाता है किसके लिए तो पशुपालन इस समय पशुपालन की शुरुआत होती है तो इसके पहले जहाँ पर केवल फूड कलेक्ट करते थे खाते थे पेट पालते थे जैसा कि मैंने कहा पेट पालते थे सोते थे प्रजनन करते थे अब वो कुछ काम करने लगे क्या काम करने लगे तो पशुपालन करने लगे इससे इनको फ्लैश मिलता था इससे इनका बाल मिलता था जिसे अपने लिए ये कपड़ा बना लेते थे इससे इनको दूध मिलता था और इनके स्किन से ये अपने लिए जो है टेंट वगैरह भी बना लेते थे और कपड़े भी बना लेते थे तो इस तरह से पशुपालन शुरू हुआ और मध्य पाषाण कालीन जो औजार है इनको हम लोग माइक्रो माइक्रोलिथ कहते हैं माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं कि आप देखो कितने छोटे छोटे हैं ये देखो तो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं एकदम इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं ठीक है तो औजार से मैं अभी भी कह रही हूं कि आपको औजार इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अगर स्थल की बात करें तो स्थल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जैसे आप लोगों को स्थल कैसे याद रखना है तो मैंने देखिए मैंने लिस्टिंग भी कर दी है और मैप में भी दिखा दिया है टीम को मैं ये दे दूंगी आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये देखिए यहां पर मध्य प्रदेश में एक जगह है बागोर बागोर मध्य प्रदेश में ठीक आपको केवल जगह का नाम याद रखना है आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि यहाँ से मतलब शौ को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है और लेकिन आपको बागोर जरूर याद रखना है कि बागोर कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है अगर आपको तिलवारा पूछा जाता है तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि तिलवारा एक तो म, क्या है तो मध्य कालीन स्थल है और डिडवाना की तरह पूछा जा सकता है कहाँ पर है तो तिलवारा आपका राजस्थान में है लंगनाज कहाँ पर है तो लंखनाज गुजरात में है और अगर हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में उत्तर प्रदेश में हमें इलाहाबाद से से कुछ ही किलोमीटर दूर पर बहुत सारे स्थल मिलते हैं चौपानी मांडो दमदमा सराय नाहर महदहा बगाईखोर लखैया ये सारे के सारे जो है ये महदहा नौपाषाणकालीन में भी आता है यहाँ से चावल के भी अवशेष मिले हैं तो ये सभी के सभी तो इसमें सराय नाहर से पहली बार मानव अस्थि पंजर पूरा का पूरा मिला है हमें ये सारे आपको याद रखने हैं आपको क्लास में आपको नोट भी करना है ठीक है जैसे आपको मैं बता देती हूं ये देखो मैंने इसीलिए यहां पर लिस्टिंग कर दी है ताकि आपको ये पूरा याद रहे ठीक और मेरे से आप लोग जो है मैं टीम को जरूर बोलूंगी कि शेयर करें लेकिन फिलहाल मैं नहीं पी शेयर कर रही आप लोगों को अभी अभी जो है मना किया गया है मुझे मतलब अभी एक रूल चेंज हुआ है निकेडमी का, का तो आप लोगों को हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के आपको लेना होगा तो जैसे कल के सेशन में आज का पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे आप लोग वहां से डाउनलोड करते रहना तो देखो बेलन घाटी में में ही चौपानी मांडो है है ना और सराय नहर महादहा दमदमा मिर्जापुर जिले में लेखनिया मैंने दिखाया भी आप लोगों को महाराष्ट्र के पैसारा में भी मिला है हम लोगों को राजस्थान में भीलवाड़ा ठीक राजस्थान अच्छा बागोर बागोर सॉरी यहां से करेक्ट करिएगा वहां पे एक्चुअली वो बाउंड्री नहीं है और एकदम बॉर्डर पर है तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ बागोर भिलवाड़ा जिले में है ठीक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर है और सोन घाटी का बाघोरा है तो सोन घाटी मध्य प्रदेश में सोन घाटी का बाघोरा ठीक और कर्नाटक में जलहली और किबनहली, कर्नाटक में जलहली और किबनहली, ये आपके जो है ये आपके प्लेसेज हैं और फिर आते हैं हम कब तो देखिए प्रथम कृषक यहीं से हम लोगों का एक्चुअल जो विकास है जो ऐतिहासिक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो भौगोलिक कारणों में अगर पूछा जाएगा आप लोगों को तो आप कहेंगे कि जो नदियां हैं नदियां जो थी उनका विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा अपने साथ वो बहुत सारी जो मिट्टी बहाकर लेकर आती थी और उससे जो फ्लड्स प्लेन बने यानी अपने साथ जो वो जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और उससे जो प्लेन्स बने यानी जो मैदानी मैदानों का जो निर्माण हुआ और खेती वहीं पर शुरू होती है और ये खेती की शुरुआत जो है इसने ही मनुष्य को स्थाई रूप से बसने के लिए विवश किया क्योंकि एक फसल को तैयार होने में छह महीने का समय लगता है मिनिमम तो अब और ये अनाज खाने में बहुत ही वो मांस से सुपाच्य था केवल फल फ्रूट खा के कोई कितना ही जिंदा रहेगा तो ये मांस खाते थे उससे ये बहुत सुपाच्य था तो इस फसल ने लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया आकर्षित किया ठीक है तो नदियों को कैसे याद रखोगे आप लोग सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने काम किया मैदानों का निर्माण किया उन्होंने जहाँ पर खेती संभव हुआ और दूसरा नदियाँ जलमार्ग के लिए तौर पर बहुत उपयोगी रही जब तक सड़कें नहीं बन गई थी और अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल से ही नदियों का एक उपयोगिता रही क्योंकि मनुष्य हमेशा वहीं बसा जहाँ पानी था तो हमारे पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य थे वो भी वहीं पर जो होमोसैपियंस थे अभी शरीर पे बाल थे थोड़े बंदर से ही दिखते थे पर खड़े हो गए थे होमोसैपियंस तो वो वो भी नदी के किनारे ही बसे जहां ताकि भाई पानी तो शुरू से पानी का सबसे जो प्रमुख सोर्स रही वो नदियां ही रही तो आप कहेंगे कि इतिहास के विकास में नदियों का एक प्रमुख योगदान रहा और नदियों ने अगर मैदान नहीं बनाए होते तो खेती नहीं संभव हुआ होता और खेती नहीं संभव हुआ होता तो मनुष्य आज भी फूड गैदर रहता रहता कि नहीं रहता अगर खेती नहीं हो खेती का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम क्या करते हम आज भी हंटर और फूड गैदर रहते आप जाके सहा, सहारा डेजर्ट में देखो आज भी वहां पर नोमैडिक लोग रहते हैं आज भी वहां पर लोग यही काम करते हैं ठीक है तो अब क्या था कि नौ पाषाण काल तक आते आते जिसका पीरियड हम लोग मानते हैं कि ये जो शुरू होता है भारत में कहते हैं कि भारत में ये सात हजार के आसपास शुरू होता है वो सब कंफ्यूजन मत रखिए आप ऐसे मानिए कि ये नौ हजार से आपका शुरू हो गया नौ हजार वर्ष पूर्व से ये नौपाषाण काल शुरू हो गया नौपाषाण काल क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे जो नए वाले औजार हैं वो इस पीरियड से मिले हैं मतलब वो सबसे नए हैं सबसे पुराने पहली मतलब पुराना मतलब पत्थर तो सबसे पुराना जो पत्थर है वो सबसे पुराने और सबसे नया वाला पत्थर पाषाण तो अब मध्य पाषाण से पशुपालन तो इन्होंने शुरू कर ही दिया था पशुपालन के साथ साथ अब इन्होंने खेती भी शुरुआत कर दी और ये कह रहे जाते हैं प्रथम कृषक और मैंने जैसा कि आपको बताया कि खेती ने मजबूर किया इनको एक जगह बसने के लिए तो अब ये इस तरह से टेम्पररी घर बनाकर रहने लग गए और इसमें मेहरगढ़ आप लोगों के उसमें दिया हुआ है एनसीआरटी में भी मेहरगढ़ सबसे पुराना सेटलमेंट का जो हम लोगों को उदाहरण मिलता है वो कहां से मिलता है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से तो इस तरह से मनुष्य अब एक जगह बसने लग गया जो एक जगह से दूसरी जगह मनुष्य जो घूमता रहता था अब वो एक जगह समझ लो बसने लग गया और अब जब वो उसने खेती की शुरुआत कर दी तो अब अब उसको खेत से चीजें घर तक लाने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको थोड़ी तकलीफ होने लगी समझ रहे हो जैसे कैसे हम लोगों को लगा कि यार यार मतलब जैसे व्हील तो इन्होंने ही बना लिया क्योंकि इनको अब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में इनको तकलीफ होने लग गई ये इनके औजार हैं। फिर विल दिखाती हूं आपको देखो ये नौ काली औजार है इनको ये हथौड़ा है देख ही रहे हैं आप और इसको हैंड कहते हैं ठीक है और ये चौपर टाइप का है हालांकि पाषाण काल माना जाता है इस समय सिलबट्टा ओखली मुसल सब कुछ इन लोगों ने बना लिया था मतलब भाई अनाज जब इन्होंने कर लिया तो कूटने पीसने के लिए भी जरूरत पड़ी तो सिलबट्टा ओखली मुसल सब कुछ इन्होंने बना लिया था तो मतलब ये सारी चीजें इस समय बन गई थी उन सब के बनने के बाद में जैसे देखो व्हील नौपाषाण काल में ही पहिए का भी आविष्कार माना जाता है ठीक है एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए जरूरत पड़ी इनको कैसे इनको लगा होगा कि व्हील बना सकते हैं तो किसी पेड़ को इन्होंने रोल करते हुए देखा होगा गिरते हुए किसी भी गोल चीज़ को इन्होंने देखा होगा कि कोई गोल चीज़ जो होती है वो रोल करती है है ना तो इन्होंने जो है उससे आइडिया लगाया कि अगर हम गोल गोल चीजों को इस तरह हम जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो इस तरह से वो इसके ऊपर हम चार चीजों को जोड़ेंगे तो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो सकते हैं तो पहिए का आविष्कार हुआ ठीक है और पहिए के आविष्कार के बाद पहिए के आविष्कार से मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों को लगा कि अरे यार ये तो बैल और घोड़े बहुत टाइम ले लेते हैं इससे फास्ट कोई चीज चाहिए तो स्टीम इंजन आया फिर गाड़ियां आ गई ट्रेन आ गया फिर लगा कि ट्रेन भी बहुत समय लेता है बस से ज्यादा बस में लगा कि ये समय ज्यादा लेता है कम लोग आते हैं इसमें तो ट्रेन आया लगा ट्रेन भी ज्यादा समय लेता है तो हमने सोचा कि काश हम उड़ कर कहीं चले जाते तो फिर आ गया उड़न खटोला भी आ गया फिर तो इस तरह से फ्लाइट आ गया समझ लो तो ये ये विकास क्रम है आपका कि ये इस पहिए से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम एरोप्लेन तक आ चुके हैं तो पाषाण काल में ही पहिया और नौ यहां पॉटरी की अगर हम लोग बात करें कि बर्तन बनने कब से शुरू हो गए और बर्तन कैसे बने होंगे बर्तन बनने कब से शुरू हो गए और बर्तन कैसे बने होंगे यस जापान वाले बुलेट ट्रेन लेकर आए तो देखिए इसी तरह से बर्तन की शुरुआत हुई होगी बर्तन की शु... ये भी आव... आवश्यकता थी आवश्यकता आविष्कार की जननी है ये भी आवश्यकता थी कैसे कि अब अनाज को कहां स्टोर करें कहां रखें अनाज को और अनाज को पकाएं कैसे क्योंकि अब तो फायर भी डिस्कवर हो चुका था तो बाकी सारी चीजें तो बड़ी बड़ी चीज थी मान लो किसी पशु को ऐसे टांग दिया पका के ऐसे खा लिया फिश को ऐसे टांग दिया पका के खा लिया पर अनाज तो छोटा होता है उसको पकाने के लिए बर्तन चाहिए अब वो बर्तन कैसे बनेगा तो इस तरह से देखो ऐसे ही किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा कि इस मिट्टी को हम अगर इस तरह से जोड़ते हैं चले जाते हैं तो फिर एक बर्तन बन जाएगा तो पहले बर्तन कैसे बने तो शुरू में जो बर्तन बने वो ऐसे बने हाथों से हाथों से ही शुरू में बर्तन बने और हड़प्पा काल तक बर्तन हाथ से भी बने लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पॉटर व्हील कब डिस्कवर हो गया यानी कुम्हार का चाक कब बन गया तो कुम्हार का चाक भी इसी समय इस समय के कुछ बर्तन हमें चाक पर बने हुए भी मिलते हैं क्योंकि पहिया तो इन्होंने बना लिया था तो किसी को ये भी आइडिया है कि ये जो हम हाथ से गोल गोल करते हैं अगर हम इसको तेजी से घुमाएं तो जल्दी बन जाएगा हाथ धीरे धीरे घूम रहा है तो लगा होगा कि पहिए को घुमा के देखें क्या तो इस तरह से कुम्हार का चाक आ गया पॉटरी वेल आ गया तो पॉटरी का इस तरह से तो पॉटरी भी इसी समय आई ठीक है इस समय के कुछ स्थल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से लगातार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है ठीक है यहां से क्वेश्चन आप लोगों का लगातार पूछा जा रहा है और मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूं देखिए बुर्ज होम तो पूछ लिया गया आप लोगों को पिछले साल ही पूछ लिया गया आपसे बुर्ज होम और बुर्ज होम गुफ कराल बुर्ज होम बुर्ज होम किस लिए जाना जाता है यहां पर कब्रों में मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था ये भी कश्मीर में ठीक और यहां से हम लोगों को पिट हाउसेज नहीं गुफ कराल से सॉरी ये गुफ कराल से मिला है हम लोगों को ऐसे कब्र जहां पर कुत्ते दफनाए गए हैं इंसान के साथ साथ मेहरगढ़ से बकरियाँ भी मिली हैं तो मेहरगढ़ थोड़ा सा बाद का प्लेस है और जो बुर्ज होम है वो गर्तावास के लिए जाना जाता है और आपसे पूछ लिया गया तो अभी तो फिलहाल नहीं पूछा जाएगा तो बुर्ज होम पूछ लिया गया है गुफ कराल याद रखिएगा और एक अफग़ानिस्तान में अक कुद्रुक अक कुद्रुक जगह है और ये मेहरगढ़ है जहां मैंने कहा कि पहला ह्यूमन सेटलमेंट पहला मनुष्य का अस्थाई आवास का उदाहरण हमें कहां पर मिलता है मेहरगढ़ में और आपकी क्लास सिक्स की जो एनसीआरटी है ना क्लास सिक्स की एनसीआरटी में मेहरगढ़ की पूरी पिक मिलेगी आपको मतलब चौकोर आयताकार घर बनाते थे और बकरियां दफनाई गई हैं इंसान के साथ तो ये मेहरगढ़ है ये ठीक है और यहां पर उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आते हैं तो उत्तर प्रदेश में महागढ़ा और पंचाह है और कोलडीहवा है ये इलाहाबाद से कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पे है ये और ये महागड़ा और पंचाह और कोलडीहवा क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है यहाँ से हम लोगों को मिला है अनाज चावल का चावल की भूसी चावल के दाने तो ऐसा माना जाता है कि भारत में चावल की खेती मेहरगढ़ तो चला गया पाकिस्तान में और मेहरगढ़ मेहरगढ़ में गेहूं और जौ मनुष्य ने जो सबसे पहले जो अनाज उगाया वो गेहूं और जौ उगाया था और कोलडीहवा माना जाता है कि यहीं पर चावल की खेती एक तो वहां पर हुई गारो हिल्स में और इधर मैदानी इलाके में बात करें तो कोलडीहवा तो वही आप लोगों का आता है कि बिंध्य के उत्तर में चावल की खेती शुरू हुई और गारो हिल्स में जो है उन्होंने खेती की शुरुआत करी तो यहां पर कोलडीवा महागड़ा और पंचाह को आप लोग ऐसे याद रखेंगे और चिरांद तो आप लोगों को याद रहेगा ही चिरांद चिरांद जो है आपके बिहार में है ये पटना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे तो यहां पर ये हड्डी के बहुत सारे टूल्स ये लोग हड्डी के टूल्स भी बनाते थे हड्डी के टूल्स भी पत्थर के साथ साथ बनाते थे तो क्योंकि ये नौपाषाण काल था और कई तरह के औजार बन कृषि हो रही थी हालांकि इस समय ये कृषि कैसे कर रहे थे हल नहीं चलाते थे ये अभी भी कृषि कैसे कर रहे हैं तो जैसे अभी झूम खेती होती है उस तरह से पर टूल्स ये लोग हड्डी के भी बनाते थे ठीक तो धान की खेती का उदाहरण कोलडेहवा महागड़ा पंचा कोलडेहवा मुख्य रूप से और हड्डी के उपकरण चिरांग और ये आप लोगों का जो है उतनूर जो आज के डेट में पड़ेगा आपका कहाँ पर तेलंगाना में ठीक तो उतनूर भी याद रखिएगा आप लोग उतनूर को भी ठीक तो ये आपके ये जो है और इसको मैंने यहाँ लिस्टिंग कर दी है कुछ नए साइट्स ऐड कर दिए हैं मैंने ठीक तो कर्नाटक में बहुत सारे हमें नौ पाषाणकालीन स्थल मिले हैं मस्की ब्रह्मगिरी संगन कुल्लू संगन कुल्लू इस पर बिंदी रहेगा ठीक संगन कुल्लू हल्लूर पिकलीहल नरसीपुर पिकली हल से हमें राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिला है यह राख का ढेर जरूर याद रखिएगा एस एस सी एग्जाम इस, इस क्लास से सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो ठीक है एक्सेस स्टडी पॉइंट सही कह रहे हो पुतिन आप कोई बात नहीं ये अपना अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे सवाल नेक है इनका तो इनके सवाल पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बिल्कुल इससे सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो यस तो किर्थर और सुलेमान अफरोज ये जो आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है किर्थर और सुलेमान आज के डेट में पाकिस्तान में बढ़ता है ठीक है और उससे कुछ ही दूरी पर मेहरगढ़ है तो इसीलिए आप चाहे चाहे और सुलेमान तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि जौ और सबसे पहले जौ जो उगाया गया वो कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ियों में बिल्कुल अफरोज अब आप बहुत तैयार हो चुके हैं अक्सर आपके जो वो आंसर्स होते हैं उससे मुझे लगता है कि आपको याद होगा है ना अच्छा नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे जो नेक्स्ट क्लास में लूंगी उस पर कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ठीक तो पिकली हल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिकली हल मत भूलना क्योंकि पिकली हल से हमें राख के ढेर मिले हैं पिकली हल से राख के ढेर कैसे मिल गए राख के ढेर पिकली हल से कैसे मिल गए तो वहां पर जो इनको पता नहीं था कि जो गोबर होता है उस गोबर का क्या करना है तो ये एक बाड़ा बनाकर उसमें गोबर इकट्ठा करते चले जाते थे जब गोबर बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा गोबर जब भर जाता था वो बाड़ा तो उसमें आग लगा देते थे तो ऐसे हमें माउंट मिला है ढेर मिला है एकदम राख का तो इसलिए पिकली हल बहुत फेमस है पिकली हल याद रखिएगा आप लोग ठीक इतनूर अब आंध्र प्रदेश में उतनूर नहीं रहा अब वो उसमें चला गया है तमिलनाडु में पयम्पली कश्मीर का बुर्जहोम तो पूछ लिया गया है ठीक कश्मीर का गुफकराल अब पूछा जा सकता है तो गुफकराल याद रखिएगा आर्य शर्मा कहते हैं कि इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुहा मतलब कुम्हार जिसमें बर्तन पकाता है और चिरांद मैंने बता दिया आपको गारो हिल्स और बिंधे के उत्तरी प्रदेशों में मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में कुलडहीवा महादहा और पंचाह ये आपके जो है ये क्या कौन और कुछ और स्थल आपको बताती हूं कुछ और स्थल जैसे देखिए यहाँ पर सराय खोला है ये आपका पाकिस्तान में चला गया है सराय खोला गुमला जलीलपुर ठीक पर इसका कम है कम उम्मीद है क्योंकि ये पाकिस्तान में चला गया है तो जो पाकिस्तान में चले गए उनसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी जो मैंने आपको बताया पिकलीहल ये देखिए पिकलीहल कर्नाटक में यहां पर है तो इसको याद रखिएगा और पिकलीहल इसलिए भी जाना जाता है यहाँ पर वस्त्र निर्माण का भी प्रथम साक्ष्य मिला है पिकलीहल से और ये ब्रह्मगिरी ठीक है यहीं पे ऊपर मस्की है हल्लूर संगनकल्लू तो इन सबको याद रखिए आप ठीक और इधर टक्कल कोटा ये सब आपका है उसमें है ना और यहां देखिए नागार्जुन कोंड है ये आपका नागार्जुन कोंड बाद में ज्यादा फेमस हुआ एज अ बुद्धिस्ट प्लेस ठीक है तो ये इनका जो है ये देखिए इसको भी याद रखिएगा आप लोग ये कुचाई ये है आपका वेस्ट बंगाल में ठीक है तो ये जो है आपके कुछ क्या थे प्लेसेज और आपको याद रखने हैं ये प्लेसेस दो चार बार आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि यही आपका न्यू पैटर्न है अगर हम लोग बात करते हैं न्यू पैटर्न की तो न्यू पैटर्न आपका यही है न्यू पैटर्न में आपको बहुत सारे सारे प्लेसेस और पर्सनस हालांकि पहले भी पूछे जाते थे पर अब ये बढ़ गया है तो नए नए स्थल ठीक व्यक्तित्व और इसके साथ कुछ वैसे आ, बुक्स बुक्स भी पूछी जा रही है ठीक और कौन सा प्लेस किस लिए फेमस है किस रिवर वैली में है किस नदी आज आप लोगों ने देखा कि स्पेशली मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ था कि किस माल प्रभा रिवर वैली में है किस लिए क्योंकि रिवर वैली भी पूछा जा रहा है कि ये प्लेस किस नदी घाटी में है ये भी पूछा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं टीम को बोलूँगी ये शेयर कर देंगे वो आप लोगों के साथ तो आ, मुझे लगता है कि कल आपको मिलेगा तो आपको रिविजन करने के लिए समय मिलेगा तो परसों कुछ क्वेश्चंस मैं रखूंगी ठीक तो देखिए आपका इतिहास यहीं से शुरू होता है विकास क्रम विकास क्रम कैसे चला कैसे चला तो सबसे पहले हम वानर से इंसान बने और इंसान बनने के बाद जानवरों की तरह ही रहते थे इंसानों की तरह रहना कब शुरू किया तो नौपाषाण काल में नौ का मतलब जब हमने खेती करना सीख लिया तो जब खेती करना सीख लिया तो वही से समझ लो कि मानव मानव बस्तियां मानव आवास और बर्तन कुम्हारगिरी सब कुछ वहीं से शुरू हो जाता है और वहीं से धीरे धीरे हमारा विकास क्रम आगे बढ़ता है तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सिर्फ ऐसे रटा रट्टा नहीं पढ़ेंगे कि हाँ अब हड़प्पा आ गया आ गया ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम विकास क्रम देखते हुए वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखते हुए और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोज आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे देखने में आपको बोरिंग ना लगे आपको क्लास तो ये पूरा मतलब मिला जुला आप ऐसे एंजॉय करेंगे कि पहले कैसे हम लोग खेल खेल में सीख जाते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो उसी तरह से आप ऐसे ही ही एकदम आसानी से आप सीख जाओ मेरी पूरी कोशिश आपसे आप यही रहेगी ठीक है तो <coughs> ऐसे टॉपर बनना है आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को जब मैं पढ़ाऊँ नेक्स्ट बैच को तो यहाँ पर आप लोगों का फोटो हो सब को इसमें अपना फ़ोटो आप लोग लगा लीजिए और बाकी यूपीएससी प्रिपरेशन में अभी देखिए पूरा जो है ये सारे ऑफर्स हैं ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर रिंकू लाइव मेरा कोड याद रखिएगा यहाँ कोड लगाना भूल गई हूँ मैं रिंकू लाइव आर आई एन के यू एल आई वी ई तो आपको अपना प्यार दिखाने का एक ये भी तरीका है कि आप जो है मतलब तैयारी के लिए एडमिशन लेना ही है है ना और एडमिशन लेते हुए आप रिंग को लाइव कोड यूज कर लें तो ये आपका प्रेम हो गया मेरे लिए तो ये सारे कोर्सेज हैं अभी हमारे यहां पे नाइन मंथ्स प्लस थ्री मंथ फ्री ट्वेल्व प्लस फोर मंथ फ्री एटीन मंथ वाला लेंगे तो उस पर छह महीने का फ्री मिलेगा ये बहुत बढ़िया है और दो साल का लेंगे तो उस पर एक साल का और फ्री मिल जाएगा तो 23 सितंबर तक है ये लास्ट डेट इस बैच का नाम है प्रयास प्रयास और लक्ष्य प्रयास जो है आपका बाइलिंगुअल है और लक्ष्य हिंदी मीडियम का है ठीक है तो ये सब और अलग से प्रिलिम्स का भी कोर्स है आप अन अकेडमी के उस पर जाकर पूरा आप चेक कर सकते हैं ये सारा कुछ ये सभी एजुकेटर्स आपके वहां पर हैं जो परमानेंटली आपको पढ़ाते रहते हैं ठीक है तो देखिए ये सारे जो ऑफर है वो चौबीस सितंबर को तक खत्म हो जाएंगे तो आपने यूपीएससी ड्रीम को पूरा कीजिए आप ईएमआई आपको सिर्फ चार हजार तीन सौ चौसठ रुपया पे करना पड़ेगा सिर्फ चार हजार तीन सौ चौसठ रुपया ईएमआई आएगा आपका और उसमें आपको मिल जाएगा सक्सेस पांच बजे मेरा ये सेशन है ठीक है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी मैं और आर्ट एंड कल्चर में आपको किसी खास किताब से नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आर्ट एंड कल्चर पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव तो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्लास इलेवेंथ की फाइन आर्ट की बुक करा दो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप नितिन सिंघानिया करा दो तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा मेरा कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगा जहाँ से जो कुछ अच्छा रह मिला है जो मैंने पढ़ा है जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक तो 5 पीएम पर इस क्लास को लेना ना भूलें ठीक कितने मिनट बाद तो 45 मिनट बाद तो मिलते हैं आफ्टर 45 फाइव मिनट्स फाइव पीएम पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन अपना प्यार और आदर ऐसे ही बनाए रखिए कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग बाय